दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे टोमेटो मसाला फ्राई। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम चने दाल डालेंगे। और इसके बाद सरसों के दाने डालेंगे। उसको चलाते रहेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे। फिर इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे पाउडर। इसमें हम लहसुन जो काट के रखा वो ऐड करेंगे। इनको अच्छे से पका लेंगे। इसमें 3 से 4 पत्ती करी पत्ता ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू डालेगा। और हमने प्याज को काटा हुआ है, प्याज काटा है वो डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, मीडियम कट साइज में कट करेंगे, थोड़ा लंबा लंबा। उसको अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद इसमें लाल मिर्च काटी हुई है, कटी मिर्च डाल देंगे 3 से 4। 2 खड़ी मिर्च डालेंगे जो लुक को अच्छा बनाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मसाला आपको दिखने में अच्छा लग रहा होगा, स्पाइसी एंड देसी हेल्दी। इसमें सब कुछ हमने हेल्दी ऐड किया हुआ है। ये थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन डिश है। ऐसे हमारा ये मसाला पक जाएगा, जो हमने प्याज और ये सारा सब कुछ डाला हुआ है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे और उसको पका लेंगे। इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं इनको डालेंगे। आज इस डिश का नाम है टमाटो मसाला फ्राई। देखिए कितने हरे भरे लाल टमाटर हैं, जो सब्जी को एकदम हरा भरा बना देंगे। बहुत ही हेल्दी डिश है। अब इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं पहले से, इनको ऐड करेंगे। करीब 5 से 6 बड़े टमाटर हैं। ये रेसिपी 3 से 4 लोग खा सकते हैं। अब इनको हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। और जितने भी मसाले हमारे हैं वो हम इसके बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले सिर्फ इनको हम पकाएंगे। उसको पकाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, इससे जल्दी पक जाएंगे। ये 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच और ऐड कर देंगे। और इसको अगले 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि जितना ये टमाटर अच्छे से गल जाएगा। अभी इसको हम आंच को धीमी कर देंगे। फ्लेम को धीमा कर देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे अगले 2 से 3 मिनट तक के लिए। देखिए टमाटर को हमें पकाता है, थोड़ी आँच अभी तेज करेंगे। देखिए टमाटर में क्या पानी होता है, धीरे धीरे इसमें पानी खुद से आ जाएगा। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा एक बार चला के फिर से ढक देंगे अगले 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा आँच को हम तेज कर देंगे ताकि जो ये टमाटर जितना हमारा बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा सा गल जाएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए सॉफ्ट एकदम टमाटर। इसको आप पराठे के साथ, लच्छेदार रोटियों के साथ, चावल के साथ खाएँ, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। पक रहा है, अभी इसमें हम मसाले डालेंगे।
ये अच्छे से गल चुका है। अभी इसको मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका देंगे। तो मसाले में इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, इसके बाद धनिया ऐड करेंगे दो चम्मच, इसके एक चम्मच रेड चिली पाउडर। वैसे हमने इसमें चिली यूज़ की हुई है, तो आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो उसके हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी मसाला एक चम्मच ऐड कर देंगे, उसके बाद किचन किंग मसाला में एक चम्मच ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा डाल देंगे खुशबू के लिए, उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। जैसे मसाला पक जाएगा इसमें हम चिपके और अच्छे से गल जाए। अभी थोड़े से कुछ टमाटर में खड़े दिख रहे हैं, अभी पहले इसको आधा मिनट तक चलाते रहेंगे, जो मसाला डाला है वो इसमें पक जाए, ताकि देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा कलर आ गया है। साउथ की डिश है, इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, सर्दी में आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप पराठे के साथ ट्राई करेंगे तो बड़ी मज़ा आएगा। इसमें अभी आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसको फिर ढक देंगे। वैसे ऑलरेडी हमारी सब्जी गीली है, मतलब ड्राई नहीं है, बट इसको जो अभी थोड़ा सा टमाटर खड़े दिख रहे हैं इसको पकाने के लिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चला के पकाएंगे। देख सकते हैं हम ये गीली हो चुकी है, और इसको करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर और हरी धनिया, क्योंकि बटर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा। इसको ढक के छोड़ देंगे अगले 2 से 3 मिनट के लिए, और थोड़ा सा इसकी गैस को तेज कर देंगे। अभी हम चेक करते हैं ये पका है नहीं पका। देखिए थोड़ा सा इसको हम और ड्राई करेंगे, पानी को थोड़ा सा और जो हमने पानी ऐड किया है इसको कम करेंगे, और बीच में हम थोड़ा सा कटोरी में अलग निकाल के टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट अच्छा, जो हमने सब कुछ बनाया है सब कुछ सही से निकला हुआ है, कुछ कमी है उसको हम ठीक करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, देखते हैं काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। अभी हम इसको अगले 2 मिनट तक और पकने देंगे। अभी हमारा रेडी हो चुका है, अभी इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, और या फिर आप घी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें हम करीब 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, और एक कटा हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमारी डिश सर्व करने के लिए रेडी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, इससे क्या होता है जो आपकी खुशबू आएगी और एक फ्लेवर स्पेशल फ्लेवर ऐड होता है इसमें। आप ट्राई करें कोई भी डिश बनाते हैं उसमें अगर बटर या 1 चम्मच घी का ऐड करेंगे पकाते टाइम, तो अलग ही फ्लेवर आपको मिलेगा। अभी हमारी डिश लगभग रेडी हो चुकी है, अभी हम गैस बंद कर देंगे और धनिया इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे सिर्फ हरा धनिया। अभी देखिए बढ़िया सब्जी बढ़िया लुक लग रहा है, आपको देख सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये साउथ इंडियन डिश है, तो आप एक बार खाएंगे और बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने से, तो आपको 15 से 20 मिनट में सब कुछ रेडी हो जाएगा, और इसमें सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर पे हैं तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड टेस्टी एंड डिलीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस डिश।